नीलांजन न्यूज में आपका स्वागत है। हम रखते हैं हर खबर पर नजर और देते हैं आपको पूर्ण, नवीनतम और विश्वसनीय खबर। अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान हिंसा की खबरें हैं। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बयान देते हुए कहा है कि ये एक गहरी साजिश है। पिछले 5 साल तक सत्ता सुख भोगते रहे और अब जब चुनाव आए हैं तो ये सब हो रहा है। ममता ने आगे कहा कि ये सरकार के खिलाफ साजिश है। छापे में मिले हथियारों को लेकर कहा कि ये एक दिन में नहीं हुआ है बल्कि लंबे समय से किया जा रहा है। ये दुखद है कि प्रदर्शनकारियों ने हमारे एक असिस्टेंट कमांडेंट को खुखरी से मार दिया है। जानकारी के अनुसार शनिवार को बंद के बावजूद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे और हिंसक हो गए। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों से झड़प के बीच हुई फायरिंग में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने रबर बुलेट भी दागे हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से दार्जिलिंग में JGM का प्रदर्शन जारी है जो हिंसक हो चुका है। अलग राज्य की मांग कर रहे संगठन के प्रमुख के यहां पुलिस छापे के बाद मामला और गर्मा गया है। पुलिस सूत्रों ने ये भी बताया कि पूरे इलाके में निषेधाज्ञा लागू है और जुलूस निकालने की अनुमति किसी को भी नहीं दी गई है। इसके चलते यहां सैकड़ों पर्यटक अब भी फंसे हुए हैं।